भगवत गीता दूसरा अध्याय 19 पृष्ठ दूसरा अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा अध्याय। बंधु वर्ग के मोह से अर्जुन का हृदय व्याकुल हो उठा, उसका सारा शरीर कांप गया, उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई और वह मूर्छा सी खाकर रथ पर बैठ गया। उसने मोह से उत्पन्न हुए विषाद में अपने कर्तव्य कर्म में अपने धर्म पालन में पाप की कल्पना की और अंत में बैठते समय महाराज को कहा कि मैं समयोचित कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार करुणा से बंधुओं के मोह से उत्पन्न हुई दीनता से व्याप्त आंसुओं से डबडबाती हुई आंखों वाले उस दुखित होते हुए अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा, हे अर्जुन, ऐसे विषम समय में जबकि न्याय और कर्तव्य पालन के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं रहा, संग्राम की सारी सुसज्जा हो चुकी है और अंतिम निर्णय करना अनिवार्य हो गया है, तुझ में बंधुओं के मोह का यह पाप कहाँ से आ गया है? यह पाप अनार्य जनों में हुआ करता है, यह नरक देने वाला है और अपयशकारक है। श्री महाराज ने अर्जुन को बलाढ्य वचनों में बताया कि यह तेरा मोह तथा कर्तव्य कर्म पालन करने से विमुख होना धर्म नहीं किंतु अधर्म है, पाप है। आर्यों में मोह और कायरता का पाप नहीं होता, वे कर्तव्य कर्म को धर्म मानते हैं। यह तेरा पाप अनार्य कर्म है और तेरी जाति के कर्मों से विपरीत है। यह पाप धर्म तत्व के भी विपरीत है, इस कारण नरक देने वाला है। इसी प्रकार यह पाप शूरवीर क्षत्रियों की अपकीर्ति का कारण ही हुआ करता है। हे अर्जुन, ऐसे समय में तू कलीव ना बन, पुरुषता से पतित ना हो, यह नपुंसकता तुझ में नहीं फबती। तुझ में ऐसी कायरता का आ जाना शोभा नहीं देता। हृदय की दुर्बलता के वश तू ऐसी अधीरपन की बातें कर रहा है, इस कारण हृदय की तुच्छ दुर्बल को त्याग कर हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले खड़ा हो जा, कर्तव्य का पालन कर। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यदि क्षत्रिय का कर्तव्य पालन करना मेरा धर्म है तो संग्राम में भीष्म और द्रोण को बाणों से मैं कैसे बिंधूंगा? वे दोनों तो पूजा के योग्य हैं। इन ऊंचे भाव वाले गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भीख मांगकर अन्न खाना उत्तम है।
परंतु धन की कामना करने वाले विपक्षियों में खड़े इन गुरुजनों को मारकर निश्चय से इसी लोक में मैं रक्त से मिश्रित भोगों को भोगूंगा। अब रही विजय की बात, हम यह नहीं जानते कि हम दोनों में कौन अच्छा है, अधिक प्रबल है, और हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतते हैं अथवा वे हमको जीत जाएं। परंतु शोक की बात तो यह है, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं, वे धृतराष्ट्र के पुत्र मरने मारने को सन्नत सामने खड़े हैं। हे कृष्ण, कायरता से मेरा शूरवीरता का स्वभाव हनन हो गया है, मेरा जातीय गुण दब गया है, मेरा धर्म कर्तव्य पालन करना है अथवा भीख मांगकर निर्वाह करना, इसमें मेरा चित धर्म विमूढ़ हो गया है, गड़बड़ा गया है। इसलिए मैं तुझसे पूछता हूँ, जो कल्याणकारी मार्ग हो वह निश्चित मार्ग मुझे बताइए। मैं तेरा शिष्य हूँ, तेरी शरण में अर्पित हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझको निश्चित सन्मार्ग बताइए। धर्म अधर्म के, कर्तव्य अकर्तव्य के भेद को समझाइए। मेरी तो मानस अवस्था ऐसी हो गई है कि भूमि पर शत्रुओं से रहित धन धान्य संपन्न राज्य पाकर और देवों का स्वामित्व प्राप्त करके भी इतने ऐश्वर्य में निश्चय मैं ऐसा कुछ नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को, मेरी इस मानस चिंता को दूर कर सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।